Namaste, this is Dr. Neha. Hope you all are doing good, me good. So let's today talk about IBS. IBS is irritable bowel syndrome. लेकिन IBS का आज सिर्फ हम डाइट प्लान ही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी डाइट आप लें, कौन सी होम रेमेडीज हो सकती हैं या कैसा आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि IBS का मॉडर्न मेडिसिन में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर हम देते हैं तो उसका भी कोर्स रहता है 3 to 6 months का, लेकिन अगेन मेडिसिन के साथ साथ डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप अकेला अपने डाइट के ऊपर ही कंसंट्रेट करते हैं तो IBS के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो आप देखते हैं कि काफ़ी हद तक आप उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो सिम्टम्स धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। तो डाइट, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डाइट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। सो टूडेज वीडियो is dedicated to the diet plan and some lifestyle modifications regarding IBS. So irritable bowel syndrome, जैसे नाम से ही है कि आपका जो bowel है, intestines है, वो irritated रहेंगी। तो irritated रहेंगी तो क्या होगा, कभी आपको constipation हो जाएगा, इसके जो symptoms होते हैं, बीच में ही आपको कई बार diarrhea की शिकायत हो जाएगी, आपको पेन, एब्डोमन क्रैम्स, गैस सा फील रहना, ब्लॉटिंग, ये एक इसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। और अगर ये ज़्यादा देर तक आपको ये सिम्टम्स रहते हैं, एज ए रिजल्ट आपका वेट लूज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इरिटेट आपके इंटेस्टाइंस भी रहते हैं और पेशेंट खुद भी इरिटेट रहता है, बिकॉज अगर आपको बार बार क्रैम्स हो रहे हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इरिटेशन होती ही है। सो इसका एक सीधा सा संबंध IBS का, अगर आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं आ रही हैं। हम टेस्ट करवाते हैं समटाइम्स रूल आउट करने के लिए कि ये IBS ही है या फिर IBD का सिम्टम्स तो नहीं है इसमें, IBD ऐसे क्रोहन्स डिजीज ना हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो, उसके सिम्टम्स नियर अबाउट लगभग यही होते हैं, कुछ एक आधा सिम्टम ही चेंज होता है, या आपको सीलिएक डिजीज ना हो, ग्लूटेन एलर्जी ना हो। तो अगर तो आपके टेस्ट में कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं आ रही हैं और आपको प्योर यही सिम्टम्स हैं आपके पेट से रिलेटेड, तो आपको IBS डायग्नोज किया जाता है। और रिसर्चर्स जो हैं वो IBS को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। साइको मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड सोमैटिक मीन्स रिलेटेड टू बॉडी, मतलब बॉडी और माइंड का कनेक्शन रहता है, क्योंकि हमारा हमेशा से गट ब्रेन एक्सेस रहता है। गट ब्रेन एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और IBS में यही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसका मेन फैक्टर जो है वो स्ट्रेस भी है, बिकॉज आजकल की लाइफ में हर किसी को स्ट्रेस है। तो स्ट्रेसफुल कोई इवेंट हो गया या कुछ भी आपको ऐसा आपको स्ट्रेस हो गया, तो IBS का ये मेन रीजन रहता है। तो IBS में सबसे पहला जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करेंगे वो यही होगा कि स्ट्रेस को कम करना, वो समहाउ कैसे भी करके आपको वो करना ही है। ठीक है, ये क्योंकि स्ट्रेस इसका प्रोवोकिंग फैक्टर रहता है, वो आप या तो मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सको, प्राणायाम करो, या फिर जो भी आपको परेशान कर रही है चीज़, जिस चीज़ का भी स्ट्रेस है उसके ऊपर वर्क करो, वो आप या लाफिंग थेरेपी करो, कुछ भी करो, वो आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर वर्क करना है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट इन ट्रीटिंग द IBS। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जिससे कि आपके IBS में हेल्प मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, कोलास जितने हैं या फिर सोडास हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको गैसी सा फील देंगे, वो डाइजेशन में जो है वो डाइजेस्ट नहीं होंगे अच्छे से। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करने हैं, कैफीनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करने हैं, चाय या कॉफ़ी, ये भी एक प्रोवोकिंग फैक्टर होता है कैफीन IBS में। ठीक है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीनेटेड ड्रिंक्स ये आपको अवॉइड करने हैं। रिफाइंड एंड फ्राइड जितने भी आपका बाजार का मैदा से है रिच फूड, बर्गर है, पिज़्ज़ा या कुछ भी, घर पे भी चाहे, रिफाइंड एंड फ्राइड आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है अपनी डाइट से, वो आपको कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, IBS के पेशेंट इसका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट इज जो एक स्टडी में फाइंडिंग हुई है, ग्लूटेन। ग्लूटेन एक तरह की प्रोटीन है जो कि ज़्यादातर वीट से मिलती है और वीट हमारा स्टेपल फूड है। ठीक है, तो एक रिसर्च में ये पाया गया है कि ग्लूटेन जब जब IBS का पेशेंट लेता है उसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश करें कि ग्लूटेन की क्वांटिटी अपनी डाइट में कम कर दीजिए। ग्लूटेन की क्वांटिटी कैसे आप कम करेंगे, वीट प्रोडक्ट्स आप कम कर दीजिए। ठीक, आप ऐसा कर सकते हैं कि चपाती आप अकेले वीट की नहीं लेकर आप स्विच कर सकते हैं मिलेट्स पे। ठीक है, आप ज्वार या बाजरा उसमें ऐड कर सकते, रागी का आटा आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आप चपाती ले सकते हैं, आप राइस ले सकते हैं। ठीक है, आप ओट्स ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने जो फूड है उसमें वीट
को आप कम कर दें, इससे भी आपको IBS के सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये भी एक स्टडी में पाया गया है कि जो भी IBS के पेशेंट हैं उनको दूध भी डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है, तो दूध की क्वांटिटी आप कम कर दें। ठीक है, दूध अगर आप 1 ग्लास ले रहे हैं आगे तो हाफ लेना स्टार्ट कर दें, अगर वो भी आपको प्रॉब्लम करता है तो आप कंप्लीटली अवॉइड रखें मिल्क को। ठीक है, नेक्स्ट इज के एक इसमें आता है वर्ड दैट लो फोडमैप डाइट। लो ग्लूटेन लेनी है, ठीक है, लो लैक्टोज डाइट लेनी है और लो फोडमैप डाइट लेनी है। फोडमैप इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहती है सिर्फ फर्मेंटेबल ओलिगो मोनो डाई एंड डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीगोल्स। ठीक है, ये फर्मेंट जल्दी हो जाते हैं बॉडी के अंदर और आपको वो सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, तो लो फोडमैप डाइट लेनी है। नाउ लो फोडमैप किस में हमें मिलेगा, सबसे पहले तो हाई फोडमैप में क्या आ जाता है, हाई फोडमैप में आपका वीट आ जाता है, आपका जौ आ जाता है। ठीक है, इसमें फ्रूट्स में आपका एप्पल पियर या प्लम आ जाता है। ठीक है, और आपको जैसे पल्सिस रहती हैं जैसे ये राजमा चने ये आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। वेजिटेबल्स में जैसे आपका अनियन आ गया, इसमें प्याज और लहसुन आ गया, ये आपको चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। इनमें हाई फोडमैप रहता है, ये आपको अवॉइड करना है। और क्या ले सकते हैं, तो आप राइस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ठीक है, आप मिलेट्स ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स में आप घिया कद्दू लौकी ये ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, ठीक है, टिंडे ले सकते हैं, फ्रूट्स में आप बनाना ले सकते हैं और पपीता ले सकते हैं। ठीक है, तो लो फोडमैप डाइट की ओर आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में हम IBS को ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, और ग्रहणी का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है और इसमें मेडिसिन के साथ साथ ठीक है उसमें तक्र का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन बताया गया है IBS में। तक्र इज व्हाट, तक्र इज आपको हाफ कर्ड लेना है और उसमें हाफ वाटर डालकर उसे घोल सा बना लेना है, वो हो गया आपका तक्र। ठीक है, तो तक्र में लस्सी यू कैन से, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर सुबह शाम एक चुटकी वो आप साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तक्र जो है वो IBS के लिए वरदान है। ठीक है, तो आप नहीं तो त्रिकटू का पाउडर अवेलेबल रहता है आयुर्वेदिक स्टोर्स पर, त्रिकटू का पाउडर भी आप आधा चुटकी एक सुबह और एक शाम साथ में ले सकते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जिंजर ऐड करें अपनी डाइट में, जिंजर, ठीक है, अदरक आपको ऐड करना है, लहसुन आपको अवॉइड करना है, अदरक आपको ऐड ऑन करना है, या जितने भी हमारे किचन मसालास होते हैं जैसे सौंफ, अजवाइन, ठीक है, काली मिर्च, ये आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो कि डाइजेशन में आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और वाटर इनटेक आपको अपना ज़्यादा रखना है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप साथ में करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो आपके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा रिवर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो IBS में मेडिसिन से पहले डाइट का ज़्यादा रोल है, तो आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पहले ठीक करिए, और आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है साथ में, आप 3 to 6 मंथ का जो कोर्स है IBS की मेडिसिन का वो भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IBS। थैंक यू सो मच।